बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड हेल्थ। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि बच्चों के लिए रात को सोने से पहले एक वाक्या, एक कहानी, एक हदीस जो है उस पर बहुत गहरा असर रखती है। तो इसी सीरी को शुरू करने के लिए जो है ये पहली वीडियो बन चुकी है, और अब चूँकि इसका आगाज़ हो चुका है, आप डेली ये वीडियोज़ जो हैं सुने, और सोने से पहले बच्चों को अपने अल्फाज में, अपने प्यार मोहब्बत से, शफकत से कोई ना कोई ऐसा वाक्या, इस्लामी वाक्या, और कोई ना कोई ऐसी हदीस समझाएं, उन्हें सिखाएं, ताकि उनका उनके अखलाकियात पर, उनकी तरबियत पर गहरा असर रखें। अबू दाऊद में है, मुसलमानों में कामिल ईमान वो लोग हैं जिनके अखलाक अच्छे हैं। अखलाक की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपका अखलाक ही जो है अगले बंदे पर असर रखता है। चूँकि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं इखलाक के आला दर्जे पर फाइज थे, हमारे लिए उन्हीं की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है, हमें उन्हें ही फॉलो करना है हर लिहाज से, हर पहलू से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते, नरमी से बात करते। हमारे मक्का के साथ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया मिसाली था। हमारे बच्चों की नज़र में भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रोल मॉडल होने चाहिए। वो उन्हीं को देखें, उन्हीं की ज़िंदगी से मुतासिर होकर अपने अखलाकियात को दुरुस्त बना सकते हैं, और इनकी दीन दुनिया की भलाई इसी में है। इनमें हम ढेरों काम करते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले 4 से 5 मिनट हम अपने बच्चों को दे सकते हैं कि इस्लाह के लिए, उनकी तरबियत के लिए, अच्छे अखलाकियात के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।